ये पानी पार करके जाना है, और जिसमें पुल है ये लकड़ी जो कि है टेम्प्रेरी। इसमें दो सिचुएशन होंगी, या तो मैं इस छोटे से पानी में डूब के नीचे भीग जाऊंगी, और सड़कों की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है, मतलब सड़कें बन रही हैं नहीं, बट ऐसा कीचड़ कीचड़ हो रखा पूरे सड़क में। देखो ये सड़क, तो हे दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप सब मस्त होंगे, टना टन होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आपकी दुआ से फिलहाल। तो आज का व्लॉग मैं शाम के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, और मतलब 1 महीने से यहाँ बारिश चल रही है, और कल मतलब पिछले दिन की तरह भी मेरे हाथ में छाता है, और मुझे छाता लेके शादी में जाना है। मेरे को अभी कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है जाने को, एक ही दिन में 2 जगह जाना है और मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही जाने को। मैंने कम से कम 1 घंटे तक वेट कर लिया, और मैं सोच रही थी कि अगर मुझे गाड़ी मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और ऊपर से बारिश लगी है, छाता है, फिर शादी में ले जाने के लिए मिठाइयाँ हैं वो जो कि बहुत भारी हो रही है, और सड़कों की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है, मतलब सड़कें बन रही हैं नहीं, बट ऐसा कीचड़ कीचड़ हो रखा पूरे सड़क में। देखो ये सड़क में भी कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? नहीं, फिलहाल तो मरना क्यों है, शादी में जाना है यार, पैदल जाना है। अगर कोई मिल जाएगा लिफ्ट ले लूँगी, तो अभी तो फिलहाल देख रही हूँ। अभी देखो आसपास कोई भी नहीं है, इधर से टर्न हो जाएगी रोड पर कोई भी नहीं है, और ना ही कोई पीछे से आ रहा है। मैं तो वेट कर रही हूँ पर कोई आ ही नहीं रहा है, टूटी किस्मत मेरी। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जब शादियों का सीज़न गढ़वाल में ओनली अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में होता था। अक्टूबर में बहुत कम होते थे, जैसे मतलब 2-3 शादियाँ हो गई, और नवंबर दिसंबर में तो इतने भर भर के होते थे कि मत पूछो। पर अब गढ़वाल में शादियों का सीज़न ऑल मंथ हो गए हैं, मतलब मार्च में भी हो जाती है, फरवरी में भी, और ये अप्रैल मई में भी हो जाती है, बट अब अप्रैल मई में ज़्यादा होने लगी है क्योंकि ठंडियों के टाइम में गढ़वाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट उनके साथ ऐसा हो रहा है कि गर्मियों के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है उनके लिए। शादी में बारिश होना दादा दादियों को कहना है कि उसने वाला चूल्हे की जो रोटी रखी रहती है ना चढ़ावे के लिए भगवान के लिए, वो खाई होंगी, और जो इसे खाता है उसकी शादी में हमेशा बारिश आती है। तो फिलहाल तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जितनों ने भी मतलब अपने घर की चूल्हे की रोटी खाई होगी ना, तो मतलब उनके शादी में बारिश आ रही है, अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ना ही वो अच्छे से फ़ोटो शूट कर सकते हैं, ना ही कोई अच्छे से पोज मार सकते हैं, क्योंकि बाहर इतना ठंडा हो रहा है, मतलब कम से कम 1 महीने से बारिश लगातार चल रही है, 1-2 दिन धूप, फिर 10-15 दिन तक बारिश। तो दोस्तों शादी से तो मैं आ गई, और आते वक्त मुझे बाइक मिल गई थी लिफ्ट लेने के लिए, तो मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने खुद से बोला कि आपको कहीं जाना है, तो मैंने बोला जी हाँ, मुझे एक शादी में जाना था जिस गांव का नाम है झिंडोली, वहाँ जाना था मुझे। तो उन्होंने बोला मैं भी उसी रूट से जा रहा हूँ, तो आप अगर चलना चाहोगे तो चलते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल, बारिश भी कंटिन्यू बहुत दिनों से चल रही है, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा कि जिस दिन धूप आ रही हो, और मतलब एक दिन धूप आ रही है और फिर दूसरे दिन मतलब बारिश, तीसरे दिन में बारिश, चौथे दिन में बारिश, सिर्फ बारिश ही बारिश, पूरा रास्ता कीचड़ वाला हो रखा है, और मौसम तो मत पूछो यार। गर्मी का मौसम भी ठंडा लग रहा है, कह रहे हैं कि गर्मियों का टाइम आ गया, आज 2 मई हो गया, बट यहाँ गर्मियों का कोई भी नाम निशान नहीं है। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपके एरिया में बारिश हो रही है या गर्मी हो रही है। और ये सामने वाला घर मुझे वन ऑफ द फेव घर लगता है, मतलब इतना मस्त लगता है। और उसी के ठीक पीछे मतलब इस पॉइंट में हमारा गांव है, जो कि कोहरे से बिल्कुल ढका हुआ है, मतलब दिखने का नाम ही नहीं दे रहा है। और ये सामने घर कितना प्यारा लग रहा है भाई, क्या करूँ मैं, रहने चले जाऊँ क्या? कमेंट करो।
हाँ सीता फेंकेंगे मेरे को डंडा मार के कि चल बेटी बाहर चल। तो फिलहाल तो मुझे अभी इस रास्ते से दूसरी जगह जाना है, दूसरी शादी में। और कोहरा वहाँ से देखो किस तरीके से जा रहा भाई नीचे, मतलब उस रास्ते से हम छन्नी जाते हैं मतलब पीछे तक। अब मुझे उस जगह जाना है दूसरी शादी में, क्योंकि पहली शादी मैं निपटा के आ गई हूँ। तो बारिश भी देखो कितनी गंदी बारिश हो रही है, तो मेरे को वहाँ जाना है नीचे। तो मतलब जगह तो मतलब रास्ता इतना साफ सुथरा है ना कि पहचान में नहीं आ रहा, इसमें हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे अपनी तस्वीर नहीं देखनी है और बिना रुके जाना है दूसरी शादी में। आधे पॉइंट में आ चुकी हूँ और घर मेरे यहाँ से आधा घंटा दूर होगा। और मुझे ये पानी पार करके जाना है, और जिसमें पुल है ये लकड़ी जो कि है टेम्प्रेरी। इसमें दो सिचुएशन होंगी, या तो मैं इस छोटे से पानी में डूब के नीचे भीग जाऊँगी, या तो मैं यहाँ नीचे गिरूँगी जहाँ से मुझे पता चलेगा कि हाथ पैर तोड़ने का दर्द क्या होता है। तो फिलहाल अभी रिकस लेते हैं और फिर चलते हैं उस पत्थर पर। मैं चाहूँगी मैं सलामत चले जाऊँ, क्योंकि ये वाली लकड़ी देख के तो ऐसा लग रही है कि फिसलन होगी इसमें कहीं ज़्यादा। तो आराम से चलना पड़ेगा हमें, चलते हैं भाई। बैलेंस करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो देखो कैसे हिल रहा है ये वाला, ऐसे एक गलती और मेरा काम ख़त्म। तो मैं तो फिलहाल ये छोटा सा लकड़ी का पुल पार करके आ गई हूँ, क्योंकि मतलब पत्थर भी ऐसे ही टेम्प्रेरी लगाए हुए हैं और लकड़ी भी काफ़ी मतलब फिसलन है, थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस, तो हम सीधा यहाँ नीचे गिरेंगे। कभी छोटी छोटी चोटों में ना कभी बड़ी चोटें भी लग जाती हैं, जैसे खरोच की जगह हाथ टूट गया। अच्छा वो मिलेगा मेरे को फिर घर वालों से रिस्पॉन्स कि बेटा ये रहा तेरा झोला तुमड़ा और चले जा बाहर। तो अभी तो मेरे को इस रास्ते से चलना है घर। सो मैं मतलब अभी आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ, और मैं अभी एक जगह मैं चाची के घर रुक गई थी, उन्होंने मुझे देख लिया था। और मैं चाह रही थी कि मैं सीधा सीधा चले जाऊँ घर, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है। मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि गर्मियों में मतलब इतना ठंड लगेगा, क्योंकि जब सर्दियाँ चल रही थी तब इतना ठंडा नहीं लग रहा था, अब गर्मियों में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। तो चाची के यहाँ रुकने के बाद थोड़ी चाय वाय पी, उनसे थोड़ी बातचीत करी, बातें बातें लगाई उनके साथ, क्योंकि फिर चाची जी बोलेंगे कि मतलब इग्नोर मार के चले गई हैं, ये भी मुझे नहीं करना है। तो मतलब सुबह से कंटिन्यूसली बारिश चली रही है और ये छाता मेरे से बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। गाँव में बहुत सारी शादियाँ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा शादियाँ हैं, और शादियों का सीज़न ऑलमोस्ट लग ही गया है। 10-15 शादी पहले हो चुकी हैं और बहुत सारी शादियाँ अब हैं जिनमें हमें इन्वाइट कर रखा है और हमें जाना है वहाँ। काफ़ी दूर दूर जगह है, कहीं मतलब ऐसे ही निपटा देंगे, बट कहीं कहीं अपनी जो मतलब नज़दीकी हैं उनके यहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को हमारी शादी होगी तो कोई नहीं आएगा। तो फिलहाल मुझे कमेंट करना कि आपके इधर किस तरीके का मौसम बन रखा है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।